हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको नाइन्थ क्लास से एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसका नाम है हीरोंस फॉर्मूला। ठीक है, देखिए हीरोंस फॉर्मूला यूज किस लिए होता है। हीरोंस फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए यूज होता है। अब आप कहेंगे ट्राइंगल का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है, यस, लेकिन वो फॉर्मूला जब एप्लीकेबल है जब आपके पास हाइट हो। अगर मान लीजिए आपके पास किसी ट्राइंगल की हाइट ना हो और आपको एरिया निकालना हो, फिर तो हम हीरोंस फॉर्मूला का यूज करके उस एरिया को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो। ठीक, तो देखिए जैसे मैंने एक यहां पे ट्राइंगल मान लिया ए बी सी, ठीक है, और मैंने इसकी साइड्स को मान लिया ए बी सी, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए सी को मानेंगे, चाहे आप इसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए, किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। ठीक, तो हीरोंस फॉर्मूला होता क्या है, एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, अभी जैसा मैंने आपको बताया हीरोंस फॉर्मूला एरिया निकालने के काम आता है, तो एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वेयर एस क्या है यहां पर, वेयर S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। क्यों, S यहां पर है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। आप सभी जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि किसी भी ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स हैं, तीन ही साइड्स होती हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो सम होता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। सेमी वर्ड है, सेमी मतलब हाफ, तो सेमी पेरीमीटर उसका हाफ कर देंगे पेरीमीटर का। पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स का सम अपॉन टू, ये निकल आएगा आपका सेमी पेरीमीटर। तो यहां आप इसे एस की जगह पुट कर सकते हैं, एंड ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यहां पे एबीसी क्या होती है, एबीसी स्मॉल एबीसी जो लिया है वो ट्राइंगल की साइड्स होती है। क्लियर, तो ये था कॉन्सेप्ट हीरोंस फॉर्मूला का। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है एरिया के लिए, और सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं और एबीसी साइड्स पुट करना है एंड गेट द आंसर। क्लियर, चलिए मैं इसके ऊपर आपको दो तीन क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इसे अप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हूज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए मुझे एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स मैंने ले रखी है 5, 8 एंड 5। ठीक है, सेम भी ले सकते हैं, दो मैंने यहाँ पे सेम ले लिए, तीन अलग अलग भी ले सकते हैं जैसा अभी अभी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तीनों साइड्स को अनइक्वल कर दूंगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए ट्राइंगल बना लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ए बी सी 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्लियर, क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन में, लेट ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैंने A मान लिया 5 को, B मान लिया 8 को और C मान लिया 5 को। ऐसा नहीं है कि हम A 5 को ही मानेंगे, A हम 8 को भी मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिए ABC। ठीक है, तीनों साइड्स में से कुछ भी मान सकते हैं। अब हमें किसकी जरूरत है, सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C अपॉन टू। आप सेमी पेरीमीटर को पहले ही निकाल लीजिए, यही फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, रखिए तीनों साइड्स को एबीसी जो ऊपर दिए रखिए इस फॉर्मूले में, 5 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन 2, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2 कर दिया, यानी कि ये आ गया 18 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तीनों का एडिशन 18 अपॉन 2 जो कि 9 होगा। देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, चलिए S कितना है आपके पास, 9 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 9 माइनस ए कितना माना है मैंने, 5, 9 माइनस 5, दूसरा 9 माइनस बी कितना माना है हमने, 8,
तीसरा 9 माइनस 5, सी को भी हमने 5 माना है। क्लियर, पुट कर दी मैंने एस की वैल्यू और एबीसी के ऊपर से, कितना आया अंडर रूट 9 इंटू 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 5 गया तो 4। क्लियर, अब आप देख सकते हैं इसको छोटे छोटे फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है आपको ताकि आप बाहर निकाल सके। अगर आपको अंडर रूट सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूँ। देखिए आपको पता है अगर अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू सेम होती है तो बाहर निकल के सिर्फ वो एक रह जाती है, क्योंकि रूट लगाए पावर 1/2 है, 4 यहाँ पर 2 टाइम्स है, बाहर आके एक ही रह जाएगा। अच्छा 9 का अंडर रूट वैसे तो हम सभी जानते हैं 3 होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं 9 को 3 × 3 × 4 × 4। मैंने क्या किया 9 को तो लिखा 3 × 3 और 4 × 1 4 ही होता है, तो 4 × 4 ही आ गया। ठीक है, 2 × 3 आ रहा है और 2 × 4 आ रहा है, यानी कि 3 जो है यहाँ पे दो बार आ रहा है और 4 भी 2 times आ रहा है। बाहर निकल के कितना रह जाएगा 1 time, 3 2 times था एक रह गया, 4 2 times था एक रह गया, 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया, एस निकाल लेते हैं, फॉर्मूले पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन और देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हूज साइड्स आर 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए देखिए इसमें भी वही मेथड, लेट ए इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। क्लियर, तीनों साइड्स हमने ए बी सी मान ली। नाउ वी विल फाइंड एस, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, आप सभी जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन टू। क्लियर, तीनों वैल्यूज का सम एडिशन करके कितना आएगा 540, ऐड कर लीजिए 540 आ रहा होगा, ये 540 अपॉन टू यानी कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए एस आ गया। अब देखिए एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई करेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस, एस की जगह कितना आया यहाँ पे 270, फिर 270 माइनस ए कितना आया ए 120, एस माइनस बी, एस कितना आया 270 माइनस बी कितना है यहां पर 170, फिर 270 माइनस 250, सी हमने कितनी लिया साइड 250। क्लियर, देखिए अब सॉल्व करिए इसे, अंडर रूट 270 ऐसे ही रहेगा, 270 में से 120 गए कितने बचे 150, 270 में से 170 गए तो 100 और 270 में से 250 गया तो 20। क्लियर है इतना, चलिए आगे देखिए। अब इसे सिंपलेस्ट फैक्टर्स में स्प्लिट करिए, 270 को अगर मैं करना चाहूं क्या कर सकता हूं, 3 से 90, 3 से 30, 3 से 10, 2 × 5। क्लियर, ये आपने फैक्टर किए, अगर किसी को नहीं आते हैं यहां पे जल्दी जल्दी ऐसे करना तो साइड में भी कर सकते हैं, कैसे ऐसे 270 के फैक्टर्स यहां भी कर सकते हैं आप, 3 से 90, 3 से 30, 3 से 10, फिर 2 से 5 और 5 से 1, ऐसे भी कर सकते हैं आप, सभी जानते होंगे करना ही। तो 150 का फैक्टर कर रहा हूं मैं, 2 से 75, 3 से 25, 5 × 5, 100 का कर रहा हूं मैं 2 से 50, 2 से 25, 5 × 5, 20 का अगर करें तो 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। क्लियर है, आप देख पा रहे हैं फैक्टर काफी सारे लंबे हो गए, काफी सारे हो गए। अब देखिए दो दो की पेयरिंग में बाहर निकालते जाइए, 3 और 3, मैं एक काम करता हूँ हल्का हल्का इनके नीचे पॉइंट बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि हमें ध्यान रहे हमने कौन से ले लिए, 3 और A3 दो है, बाहर निकल के एक ही रह जाएगा सिर्फ, ये वाला 3 और ये वाला 3, 2 3 है बाहर निकल के एक ही रह जाएगा इनटू, फिर ये 2 और ये 2 एक और आ गया बाहर, फिर ये 5 और ये 5,
फाइव बाहर आ गया, आगे चलिए ये फाइव और ये फाइव फिर से बाहर आ गया, फिर ये टू और टू बाहर आ गया, उसके बाद ये फाइव और ये फाइव फिर से बाहर आया, और ये टू और ये टू। देखिए सारे फैक्टर्स हो गए, कोई बचा ही नहीं अंदर, सबके नीचे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब सारे के सारे बाहर आ गए, मैंने सबको पेयरिंग में बाहर निकाल लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्या किया है मैंने। ठीक है, अब सबका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन टू जार एटीन, एटीन इंटू फाइव नाइनटीन, नाइनटीन इंटू फाइव फोर फिफ्टी, फोर फिफ्टी इंटू टू नाइन हंड्रेड, नाइन हंड्रेड और फाइव टू जार टेन, यानी कि टेन इंटू नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड। तो इसका एरिया कितना आया आगे लिख देता हूं मैं, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आपने मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 9000 ही आएगा, यानी कि इसका एरिया आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया सारी बातें, मैं एक बार बहुत जल्दी समराइज कर देता हूं। सबसे पहले एस निकाल लीजिए, एस निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, एस की वैल्यू रखी, सब कुछ आपके सामने। अच्छा, फैक्टर्स को बहुत ध्यान से स्प्लिट कीजिएगा और बहुत ध्यान से बाहर निकालिएगा, क्यों गलती हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपके सामने फैक्टर्स में स्प्लिटिंग की, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैंने तो सीधा कर दिया यहाँ पे, तो आप साइड में भी करके कर सकते हैं, और सबको पेयरिंग वाइज बाहर निकाल करके और उसका आंसर लिखिए। अगर कोई पेयर के अंदर रह जाता है, सपोज इसके अंदर एक टू और बच जाता जो पेयर नहीं बनाता, तो उसे रूट टू आगे आ जाता, 9000 रूट टू हो जाता आंसर बस। ठीक, तो ये था हीरोन्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट जो आज मैंने आपको समझाया। मैं अपनी एक सेकंड वीडियो और अपलोड करूंगा बहुत जल्द, जिसमें मैं हीरोन्स फॉर्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे निकाला, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप उनको देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये हीरोन्स फॉर्मूला, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। थैंक यू।